Hello guys, I am doing my makeup. Rude. Okay. Hello guys, I am doing my makeup because it's really early and I am filming a video right now. Like this is a part of a bigger video and main vlog bhi kar rahi hu saath mein. So I have to do very light makeup. As you can see, I'm breaking out. But never mind. Aaj main vlog kar rahi hu. क्योंकि आई एम गोइंग टू गो ऑन वेकेशन वेरी वेरी सून. आई फील लाइक आई डोंट टॉक इन माई व्लॉग्स मच एनी मोर. आई जस्ट शो यू गाइज ये हो रहा है वो हो रहा है बट आई हैव नॉट डन दिस यू नो वेर वी सिट टुगेदर एंड टॉक अ लिटल बिट. बाय द वे आई मेड कॉफी एंड डू यू गाइज रिमेंबर दिस मग. If you do comment down below, मैंने last time जब ये पूछा था about the Pisces necklace, so many of you did comment and that is so sweet. You know, whenever I ask you something and तुम लोग वो सुनते हो, it makes me really happy to read all of those comments. So keep them coming. And आज मुझे I don't know what is happening. मैं इसलिए सुबह नहीं उठती कभी भी because सुबह उठ के I just can't function properly. Can you see मेरे यहाँ पे कितने गड्ढे हो रखे हैं? I don't think any amount of sleep can fix this now. By the way, I did not tell you guys ना मैं किसके साथ वेकेशन पे जा रही हूँ. मैं अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी. वैसे ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने गेस नहीं किया होगा बट यू नो आई डू व्हाट आई कैन टू मेंटेन द सस्पेंस. सो आई टेल यू गाइस लेटर. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो बिकॉज़ आई एम गोइंग ऑन वेकेशन एंड दिवाली इज लिटरली इन अ वीक, आई डिसाइडेड टू बुक सम सर्विसेज फॉर मी एंड माई मॉम लाइक एट होम सलॉन सर्विसेज एंड वी यूज अर्बन कंपनी टू बुक आवर सर्विसेज. सो माई फीट आर रियली नास्टी एंड मुझे पेडिक्योर कराना था एंड मेरी मम्मी ने बहुत टाइम से क्लीन अप नहीं कराया है. सो वो क्लीन अप कराएगी एंड मैं पेडिक्योर कराऊंगी. एंड बेसिकली आप भी अपने लिए ये सारी सर्विसेज बुक कर सकते हो एट होम अपनी कन्वीनियंस पे. आपको बाहर नहीं जाना, आपको कुछ नहीं करना, इट इज टोटली हैसल फ्री. एंड अगर आपका भी बिजी स्केड्यूल रहता है, आप टाइम नहीं निकाल पाते, यू कैन जस्ट कॉल समवन जब भी आपका फ्री विंडो हो एंड गेट एट होम सर्विसेज. देयर ब्यूटी पैकेजेस स्टार्ट एट ओनली 349 रुपीज. सो दीज आर वेरी अफोर्डेबल एंड अगर आप टीनेजर हो तब भी आप ये अफोर्ड कर सकते हो इजिली. जो भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना वो सारे वन सिंगल यूज वाले ही होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि वो सेम प्रोडक्ट हर किसी पे यूज करें. दिस वे हाइजीन एंड सैनिटेशन इज मेंटेन्ड एंड ऑल्सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अर्बन कंपनी कि जैसे सारा काम हो जाता है ना दे लीव नो मेस बिहाइंड. वो सब कुछ साफ करके जाएंगे, इट्स नॉट मेसी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठ के बस अपने सर्विसेज आराम से कराने हैं एंड वो बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे. मेरा अपॉइंटमेंट 2 बजे का, सो अभी बहुत टाइम है बट जैसे वो आएगी आई विल शो यू गाइज वॉट ऑल वी आर गेटिंग डन. हियर इज द लेडी जिनका होगा क्लीन अप. आप एक्साइटेड हो? Very excited. I'm waiting for my foot massage. जिसमें foot massage होगा ना? जी. Yeah. I know I look so fancy all of a sudden, but मेरा पेडिक्योर हो गया, मम्मी का क्लीन अप हो गया अच्छे से and now I have to go to the mall to shop a little for the trip. I have a few things that I need. My mom and I are so happy with the services that we got from Urban Company. The technician was so professional, उसने सब कुछ इतने अच्छे से किया, like she was very diligent. And अभी दिवाली आ रही है, शादी का सीजन चल रहा है, so if you guys want to book services for yourself, you know, makeup, hair, salon services, whatever you guys want, you can book all of that on Urban Company. मैं Urban Company का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक इट आउट. सो या नाउ आई एम गोइंग टू द मॉल, आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू गेट एंड आई विल शो यू गाइस माय आउटफिट. आई थिंक माय आउटफिट इज रियली क्यूट. आई एम वेयरिंग दिस कैल्विन क्लाइन टी शर्ट एंड माय ज़ारा पैंट्स. दीज पेपर बैग पैंट्स आर सो कंफर्टेबल. Thank you.
सी यहाँ पे मिलता है कि नहीं कुछ। सो वी हैव दिस, आई रियली लाइक दिस, प्रिटी है ये। तो ये मिंट में भी है, ओ नाइस। सिल्वर सिल्वर है यहाँ पे, ये तो पूरा वाइट है। दिस इज ऑल्सो, सो अभी के लिए आई लाइक दीज टू, जस्ट डू इट। पर ये वाइट है ना, हाँ दिस इज नाइस, मैचेस माई वाइब। इसके लिए तो सर बेस्ट रहेगा जैसे आप अगर जिस भी दिन यूज करते ना पैंट तो पॉलिश से पहले इसको क्लीन कर लो। बहुत कम्फी, मज़ा आ गया ऑलरेडी। मैंने पता कभी ऐसे स्नीकर्स नहीं लिए स्टोर में आके, मैं हमेशा ऑनलाइन। नहीं प्रॉपर तो भी नहीं लिया ना, नहीं हाँ तुमने दिया था। थैंक यू, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही लग रहा है गाइस, ओह माय गॉड। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहे हैं, दीज आर सो क्यूट। सारा माय बिलवड, वेयर दिस, क्या ये स्वेटर है? बोरा है क्लोथिंग, बहुत ही ब्राइट है ये। शुड वेयर दिस, ये अच्छा है। कौन सा साइज है ये? स्मॉल ये पहनूं मैं एक बार, कैसा लगेगा? मुझे लग रहा पहन के ठीक लगेगा, हाँ चुभेगा शायद, चुभेगा पहन के देख, स्मॉल में लो पर ये है। What do you guys think? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, इट्स सो क्यूट, ओ माई गॉड। आई एम एन एच एन एम, क्योंकि तो यहाँ पर ठंड भी नहीं पड़ती है ना। I really like this, but look at all that boobage. I mean, I can't wear it anywhere out, and I don't think in a deep koi I can wear any bra also. So, yeah, I wish it thoda aise hota na. See, kitna acha lagta. Such a pretty top. You guys, this sweater, but it is so cute. It's a bit oversized, but cropped hai. Acha lag raha hai. I think I'm gonna get this, and I'm going to get this sweatshirt. ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ये काफ़ी अच्छा है। ओके सो आई गॉट अ फ्यू थिंग्स, आई वेंट टू ज़ारा, एंड मैं ज़ारा में एक दो चीज़ें ऐसे ट्राई ऑन की थी, बट उसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया, मुझे बाद में वो सब इतना अच्छा नहीं लगा, सो आई डिड नॉट गेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट आई एंडेड अप गेटिंग अ वेरी बेसिक क्रॉप्ड हुडी situation, so it looks something like this, and it is cropped, it doesn't even have a pocket because it is a sweatshirt, and fir na slide se it has this slit
which is cute. Next, I got these pants from the kids section, and I'm telling you guys, the good stuff is at the kids section. So I got this pair of paper bag pants, you know, upar se aise paper bag hai. And I really like this black, grey and white moment. They are very 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 comfortable and pockets bhi hai. So try on ke time pe na, I showed you guys this yellow color ka sweatshirt. I did not get that because jaise hi main nikli, mujhe ye light material ka sweater dikh gaya, which was of the same price. So I was like, I might as well get this. So this is what it looks like. It's a lavender cropped sweater. It's not like super thin bhi. I think it is pretty decent and it's only for $7.99. I mean, of course, ab main kyunki Sarojini ja chuki hu, mujhe pata hai Sarojini mein mujhe aisi cheeze bahut cheap like 100-150 mein mil jati, but Sarojini mein ek hi problem hai ki obviously you can't get the same things. Like, it really depends on how lucky you are the day you go there. So yeah, I'm definitely gonna take this. And then ye jo maine sweater try on kiya tha, ye mujhe bahut zyada pasand aaya tha. Like, you know, I actually kind of stay away from like these New York things, but ye is pe acha lag raha tha, and it gives you that grandma sweater vibe. At the same time, thoda sa jersey look hai iska, to mujhe kafi acha laga, and it is thick, so this will keep me warm. I'm literally just going for 4 days, and you can already tell ki maine bahut zyada overpack kar liya hai. That's just how I am, you know, we overpack here. Oh, by the way, I got this new sweatshirt from Calvin Klein. This is what it looks like. Kitna pyara lag raha hai na ye, and this fits me so well. I got it on sale. Yes, size extra small, and वैसे तो ये है 5000 का, but sale पे मुझे 3000 something का पड़ा. This is of such good quality, so I definitely wanted to wear this. I'm also taking hyaluronic acid serum क्योंकि वहाँ पे ठंड होगी and we don't want dry skin. वैसे ही सबको पता है मेरी skin की क्या हालत हो रही है. I think I should do like a what's in my skincare bag ऐसे type के shorts बनाती हूँ मैं इसका. अगर आपको देखना है तो मुझे बताना, क्योंकि इसमें इतना सारा सामान है. ओ, मैं Nike से क्या लिया, मैंने ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने क्या शूज लिए, बट दिस वॉज माई बिग परचेज एंड दिस इज अ दिवाली गिफ्ट ऑल्सो. एवरी ईयर आई थिंक मैंने लास्ट ईयर पे अपने लिए शूज ही लिए थे दिवाली पे. दिस ईयर ऑल्सो आई बॉट शूज फॉर माई सेल्फ. सो आई ओनली हैव लाइक वन पेयर ऑफ रियली नाइस स्नीकर्स, लाइक अच्छे कंपनी के. बाकी मेरे पास ज़ारा वगैरह के वो इतने ड्यूरेबल नहीं है. सो आई वॉन्टेड कि मैं ना अच्छे इन्वेस्ट करूँ. एंड ओ माई गॉड, यू गाइस लुक एट दिस, दीज आर सो प्रिटी. आपने देखा ना, मैंने पूरा ट्राई ऑन किया था. सो this is what it looks like. These are the Nike Air Max. I was not planning to show you guys everything that I packed, but this turned out to be a pack with me for my trip, and I am so excited. I will try to vlog this trip as much as possible. Anyway, I hope you guys enjoyed watching me shop, pack for my vacation, and you know, the little pampering session that I did. I had so much fun. This was such an impromptu vlog, but mujhe bahut maza aaya. I hope you guys also enjoyed watching and stay tuned for the next couple of vlogs. Abhi to बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू गाइस. एंड या, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.